पायरेसी, मर्चेंट नेवी, सोमालिया अटैक, जिंदगी को खतरा, कैप्टन फिलिप्स। ओ गॉड, मैं कभी कभार मर्चेंट नेवी के लिए बच्चों से मिलता हूँ तो सबसे पहले माँ बाप का डर निकल के यही आता है, सर मर्चेंट नेवी तो पायरेट्स के अटैक होते हैं। तो मैंने बोला आज एक वीडियो बनाया जाए और आपका डर के साथ सच का सामना कराया जाए कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। तो पहले तो जानते हैं पायरेट्स होते क्या है। तो पायरेट्स कौन थे? पायरेट्स होते कैरिबियन क्या था, पुराने जमाने में समुद्री लुटेरे होते थे। कोई जहाज जा रहा होता था, उसमें ट्रेड का सामान होता था, कुछ भी हो तो ये लोग लूट लेते थे। आज भी जमाना वही है, देखिए कैसा जमाना है, ये देखिए। एंड ये ट्रू है, ये बड़े बड़े जहाज आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बड़े बड़े जहाज हैं, ये पानी के फुहारे निकल रहे हैं यहां से, वो कोशिश कर रहे हैं कि पानी मारे ताकि ये लोग ना सके। और एक छोटी सी बोट पे चार पांच लोग स्टेन गन लेके हमला कर रहे हैं और कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर में ऐसे करके लंगर डालेंगे रस्सी का और ऊपर चढ़ जाएंगे और जय माता दी, और फिर ये यूं करके पहुंच जाएंगे गोलियां लेके। अब ऐसे केस में जहाज के ऊपर अलाउड नहीं है भाई कि आप उनका सामना करो गोलियों लेके साथ में, आप भी AK-47 लेके बैठे हो, और ना हम लोग वैसे ट्रेंड होते हैं। तो ये वीडियो है इस बारे में कि अगर अटैक हो तो क्या करना है, हम कैसे बचते हैं, कितने अटैक हो चुके हैं, अभी क्या चल रहा है, और क्या हमें से डरना चाहिए, सचेत होना चाहिए, असलियत क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे कैप्टन फिलिप्स। यस, टॉम हैंक्स ने इस मूवी में काम किया है जिसका नाम था कैप्टन फिलिप्स। ये थे वो रियल हीरो जिनका रोल उन्होंने निभाया। मर्स्क अलबामा शिप का नाम था। 9 अप्रैल 2009 को इस इतने बड़े शिप के ऊपर, कंटेनर वेसल, इसके ऊपर अटैक किया गया 440 किलोमीटर दूर समुद्र के तट से। चार सोमालिया के शिकारी आए AK-47 वगैरह हाथ में लेके 440 किलोमीटर दूर और चढ़ गए जहाज के ऊपर और जय माता दी कर दी। किडनैप किया गया कैप्टन फिलिप्स को छुड़ाने के लिए, जय माता दी हो गई। ये लोग करते क्या हैं, लूटते हैं। अगर आपको किडनैप कर लिया तो पैसे मांगेंगे, जहाज लूट लिया तो पैसे मांगेंगे, किसी तरह से नहीं, बस पैसा चाहिए। रिसेंटली अभी क्या हुआ है, 16 अक्टूबर 2022, अभी एक महीना पहले, एक महीने से भी कम, 20 दिन पहले अटैक हुआ है सिंगापुर स्ट्रेट में। 3 आर्म्ड पायलट्स ने किया, किस पे, एक बल्क कैरियर था शिप उसके ऊपर। तो इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं अटैक्स हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, सोमालिया में हो रहे हैं, बहुत कम हो रहे हैं, तो अभी यहां बढ़ गए हैं, राइट, कहां, सिंगापुर स्ट्रेट्स में और गल्फ ऑफ गिनी में और जगह पे। तो फिर अभी चल क्या रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, 10 मैरीटाइम पायरेसी अफेक्टेड एरियाज अराउंड द वर्ल्ड, कौन कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं, गल्फ ऑफ गिनी, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुलु एंड सेलेबस सीज, इंडियन ओशन एंड फाल्कन लेक, नाइजीरिया, सोमालिया, इंडोनेशिया, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, सिंगापुर स्ट्रेट्स। पिछले 10 साल में जो इतिहास कहता है कि सबसे कम पायरेट्स अटैक पिछले 10 साल में इस साल में हुए हैं, जिसमें नाइजीरिया में 6, इंडोनेशिया में 9, सिंगापुर स्ट्रेट्स में ही 35 पायरेट्स के अटैक हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन ही उठा कि इन जगहों पर जाना छोड़ दें, भाई ऐसा तो नहीं कर सकते, पूरा गेम ही ट्रेड का है, पैसे का है, रूट का है। नंबर ऑफ पायरेट्स अटैक अगेंस्ट शिप्स वर्ल्ड वाइड फ्रॉम 2010 से 2021, 2010 में जहां 445 पायरेट्स के अटैक हुए थे 2010 में, वहीं पर धीरे धीरे कम होते होते 2021 में आज वो 132 पे खड़ा है, लीस्ट इन द लास्ट 10 ईयर्स। और आगे चल के जिस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करें, जिस तरह से हमारे अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, मुझे लगता है कि ये और कम हो जाएंगे, लेट्स सी। तो ये जो एम होता है पायरेट्स अटैक का होता क्या है, देखो मेन मुद्दा होता है पैसा कमाना, लूटना, हिट एंड रन, थेफ्ट ऑफ शिप्स। भैया क्या करा, जहाज पे चढ़े, चोरी करी, पैसे लूटे, लोगों के लैपटॉप वगैरह लूटे, जितना मास्टर के पास कैश था लूटा और चले गए, जय माता दी, सबसे सेफ एंड साउंड, कोई टेंशन नहीं। किडनैप फॉर रैंसम, ये डेंजरस है, जैसे कैप्टन फिलिप को उठाया, किडनैप किया, लेके चले गए। अब एक आदमी के चक्कर में, देखो एक आदमी की कीमत भी उतनी है, एक जहाज से ज्यादा कीमत एक आदमी की लाइफ की होती है, अगर एक अच्छी कंपनी है तो फिर तो भाई आपको कुछ भी करना पड़ेगा उस आदमी को लाने के लिए, तो ये दिक्कत है। हाईजैक फॉर रैंसम, पूरे के पूरे जहाज को लोगों के साथ लेके चले गए, ले भाई जय माता दी, जहाज करोड़ों का, उसके ऊपर कार्गो करोड़ों का और साथ में लोगों की कीमत तो भैया अरबों में लग जाएगी, कहानी खत्म, ये और दिक्कत। स्टीलिंग शिप एंड कार्गो, यहां पर क्या किया, लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया, सिर्फ जहाज और जहाज का कार्गो लेके चले गए। इसमें कम से कम लोगों की जान माल बच जाती है, लेकिन करोड़ों का जहाज और करोड़ों का कार्गो, जय माता दी। तो ये इस तरह के थेफ्ट्स होते हैं जो कि पायरेट्स करते हैं अलग अलग एरियाज में, जो कि हमें पता होने चाहिए। ये देखिए हाई रिस्क एरियाज, मलक्का स्ट्रेट्स,
लोकेशन कहाँ है? इंडियन ओशन। कमर्शियल गेटवे फॉर द स्विस कैनाल, इजिप्ट एंड यूरोप, इन एडिशन टू बींग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडो साइनो मरीन नेविगेशन रूट्स। तो सिंगापुर के लिए मलक्का स्ट्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी आज के हाई रिस्क एरिया बना हुआ है। गल्फ ऑफ गिनी, ये देखिए यहाँ पर है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर अब गल्फ ऑफ गिनी नॉर्थ वेस्टर्न एंड सदर्न अफ्रीका में है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट फॉर क्रूड ऑयल टैंकर्स टू द यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, मेकिंग इट एन अप्रोप्रिएट टारगेट फॉर द रॉन्ग डूअर्स। तो भैया यहाँ पर तेल है, यहाँ से तेल लेके हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो यहीं पर कब्जा कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी पड़ी, गरीब देश है। अदर्स, सोमालिया में, ये देखिए सोमालिया का रूट, पहले बहुत खतरनाक था, अभी कम है। नाइजीरिया, बेनिन, साउथ चाइना सी, गल्फ ऑफ एडन, सिंगापुर स्ट्रेट भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये सब थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ये सब डेंजरस एरियाज हैं। हाउ टू अवॉइड पायरेसी अटैक्स, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको जाननी है। देखिए जैसे जैसे अवेयरनेस बनी, धीरे धीरे आप देखेंगे पायरेसी अटैक कम हो गए। सोमालिया में पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला हमें आर्म्ड गार्ड चाहिए। आज की डेट में अगर कोई भी जहाज सोमालिया के रीजन से आता है, तो अगर ओनर पैसे खर्च करने को तैयार होते हैं, तो आर्म्ड गार्ड्स को सोमालिया से पहले ही जहाज पर चला दिया जाता है, और फिर जब सोमालिया का हाई रिस्क रीजन निकल जाता है, तो उन आर्म्ड गार्ड्स को उतार दिया जाता है। उसके अलावा क्रू को ट्रेन किया जाता है, खूब सारी ड्रिल कराई जाती हैं, उन्हें बताया जाता है कि देखो ये चीज़ होगी तो आप क्या करोगे, आपको खूब सारी नेविगेशन वॉच रखनी है, कि कोई भी अगर आपके पास बोट आती दिख रही है, इसका नाम नहीं लिखा, आपको पता नहीं है, तो शिप को फुल स्पीड से भगाना है, फायर हाइड्रेंट्स लगा के रखो ताकि पानी निकलता रहे उससे, ताकि वो लोग ऊपर ना आ पाए, बाव्ड वायर्स लगा के रखो ऐसी तरह करके, देख रहे हो बाव्ड वायर्स लगी हुई हैं, जाली लगी हुई है, ताकि वो ऊपर आए तो उनके हाथ कट जाएं, ऊपर ना चढ़ सकें। ये देखो पानी के फुहारे निकल रहे, देखो पानी के ऐसे फायर हाइड्रेंट्स लगा देते हैं, ताकि वो पानी का जब जेट रहेगा तो उनका आना मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर ड्रिल्स चलती हैं, एक ऐसा एरिया बना दिया, कहते हैं सिटाडेल, ये स्टीयरिंग रूम को जनरली बनाया जाता है, कि अगर बाई चांस सारे के सारे आर्म रॉबर्स हैं जहाज के ऊपर आ गए, तो आप क्या करोगे, आप पूरे के पूरे जहाज को करोगे बंद, इंजन करोगे स्टॉप, भैया वो तो गोली के साथ हैं, आपको तो बचना है, आप सारे करोगे डोर बंद, पूरा मेन इंजन बंद करके जनरेटर वगैरह पूरा कर दोगे ब्लैकआउट, अब जहाज पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ बंद बांध करके, ताकि वो जहाज को चला ना सके, आप एक SOS मैसेज डाल दोगे कि भैया हमारा यहाँ पर हाईजैक हो गया, हम यहाँ पर खड़े हैं, वो लोग आ गए हैं जहाज पे, लेकिन वो जहाज चला नहीं पाएंगे, और आप जाके छुप जाओगे एक एरिया में, जिसे कहते हैं स्टीयरिंग एयर, वहाँ से आपके पास एक एंटीना भी रहेगा जहाँ से आप फ़ोन कॉल कर सकते हो, उसके अलावा आपके पास रहने खाने की कुछ सामग्री रहेगी, आपको बाथरूम वगैरह जाना है उसका अरेंजमेंट बना रहेगा, और वो स्ट्रांग रहेगा ताकि कोई जल्दी से तोड़ ताड़ के अंदर ना आ सके, उसे कहते हैं सिटाडेल। तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है कि अच्छा हम लोग ड्रिल करते हैं, अच्छा अब पायलट्स आ गए हैं तो क्या करना है, हम लोग फटाफट एक जगह कलेक्ट होंगे, उसे ड्रिल कहते हैं, और वो सब करेंगे जो कि पायरेट्स के केस में हम करते हैं, उसे ड्रिल कहते हैं, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, जहाज पे बहुत तरह की ड्रिल होती है, ताकि आप लोग एक्शन ले सको बिना सोचे समझा, फटाफट फटाफट फटाफट, क्योंकि आपकी बॉडी अकस्टम्ड हो चुकी है उस तरह की चीज़ों के लिए, जैसे खाना खाते वक्त आपका हाथ ऑटोमेटिकली मुंह में ही जाता है, लगातार करते करते आदत पड़ जाती है। रेगुलर ड्रिल्स हो गया, सिटाडेल हो गया, इंजन रूम मैंड रहेगा पूरा टाइम HR एरिया में, ताकि इन केस अगर आपको फटाफट स्पीड बढ़ानी है तो सोचना ना पड़े, स्पीड कम करनी है तो सोचना ना पड़े, जहाज को जिगजाग घुमाना है तो सोचना ना पड़े। वॉच कीपिंग, ब्रिज के ऊपर भी दो लोग ऑफिसर्स रहेंगे, दो दो AB रहेंगे, डेक के ऊपर लगातार वॉच चलती रहेगी, लोग ऐसे करके दूरबीन से सारा टाइम देखते रहेंगे, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक गलती और जय माता दी, जहाज फुल स्पीड पर चलता है, फायर हाइड्रेंट्स लगे रहते हैं ताकि स्पीड में कमी ना हो, और साथ में उन्हें आने में फ्लो जो रहे तो उनको ऊपर आने में दिक्कत हो। फेंसिंग वायर मैंने बता दिया, गार्ड्स ऑन शिप ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं, और जिस कारण आज के डेट में आप देखेंगे पिछले 10 साल में काफ़ी कम आ गए हैं पायरेट्स के अटैक, बट फिर भी होते हैं। पर क्या हम डर जाएं? क्या ये डरने की चीज़ है? क्या हमारे घरों में चोर उचक्के नहीं आते हैं? क्या चोरियाँ नहीं होती हैं? क्या आज भी मर्डर्स नहीं होते हैं? एक बार उठा के देखिए, एक बार न्यूज़ पढ़िए, अखबारों में देखिए, मुझे लगता है आपके सारे डर क्लियर हो जाएंगे। मर्चेंट नेवी एक आसान जॉब नहीं है, और डर के आगे जीत है, तो मैं आपको और डराना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं वीडियो जहां पर डार्क साइड ऑफ मर्चेंट नेवी में मैंने स्मगलिंग के बारे में बताया है, और भी बहुत सारी चीजें बताई जो कि आपका रूह कांप देंगी, और उसके बाद सोचिए कि ज्वाइन करना है नहीं करना है। अगर फिर भी लगे हाँ ज्वाइन करना है, तो आइए हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता।